जिला बिलासपुर के क्षेत्रीय हॉस्पिटल में इस बरसात के समय मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर इस बरसात के मौसम में क्षेत्रीय हॉस्पिटल के इमारत और छतों से लगातार पानी टपक रहा है, तो वहीं अस्पताल की खिड़कियों के शीशे टूटे होने के कारण पानी अंदर घुस रहा है, जिस कारण क्षेत्रीय हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके अलावा इमारत की बिल्डिंग के आसपास घास जमा होने के कारण भी रिसाव हो रहा है। जब इस संबंध में अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि इसके लिए एस्टीमेट बनाया गया है और जल्द ही ये पास हो जाएगा और अस्पताल को जल्द ठीक करवाया जाएगा। वहीं पानी का रिसाव होने के बाद अधिकारियों ने भी मानी और मरीजों तथा अन्य लोगों को आ रही इस समस्या का निवारण शीघ्र हल करने का दावा भी किया है, ताकि मरीजों को बारिश के दौरान कोई समस्या ना आए और अंदर पानी का रिसाव भी ना हो। सर, मैंने अपने जी साहबों से मिलके मैंने इनका एस्टीमेट बनाने के लिए एक लेटर लिख दिया, दो लेटर तीन लेटर लिख भेज दिए हैं, और इन्होंने एस्टीमेट बढ़ा के हमारा वो कुछ टाइम के लिए बोला कि दो चार दिन में हम एस्टीमेट आपको बढ़ा के दे देते हैं इनका। तो जैसे ही एस्टीमेट आता है तो हमने उसको गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और जैसे पैसा आएगा उसको रिप्लेस किया जाएगा। ऐसे भी इसकी जो पानी की जो लीकेज हो रही है, इसको जो किसी टाइम इसमें हार्वेस्टिंग के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो पाइपें लगाई थी, जो लगाया वो सारी सड़ गया हुआ, उसकी वजह से हमारे जो हर कमरे में जो लीकेज हो रही है इसको देखना पड़ रहा है। तो हम इसके लिए पूरी तरह से सजग हैं और काम कर रहे हैं, और जैसे ही एस्टीमेट आके गवर्नमेंट को भेज देंगे, जैसे पैसे की मंजूरी मिलेगी इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा।